सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुशीनगर के अंदर लोकसभा के आखिरी चरण के चुनाव से दो दिन पहले इतनी भयानक आंधी और तूफान आया कि हजारों पेड़ और कई दर्जन बिजली के पोलों को जमीन पर गिरा दिया, जिसके कारण आवागमन तो बाधित हुआ ही, बिजली की सप्लाई बिल्कुल बंद हो गई। वही बिजली विभाग ने चुनाव को मद्देनजर रखते हुए युद्ध स्तर पर काम किया और बिजली विभाग की पूरी टीम ने मिलकर 24 से 36 घंटे के अंदर गांव-गांव में बिजली पहुंचा दी और लोगों को गर्मी से मुक्ति दिलाई। आप खुद देखिए सी न्यूज भारत के संवाददाता राशिद बिल्ला की ये खास रिपोर्ट। आज लोकसभा चुनाव है और एक दिन पहले जो कुशीनगर के दो तीन हाइडल पे जो तबाही आई है, आंधी और तूफान ने जो तबाही लाया है बिजली विभाग के ऊपर, वो बताने के लायक नहीं है। इतना ज़्यादा पोल टूटा है, 33 KV और 11 KV का तो हाल ही बेहाल हो गया है और जगह जगह बिजली विभाग पे एक चैलेंज भरा काम आ गया और बिल्कुल चैलेंज सामने कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से काम कराएंगे। लेकिन युद्ध स्तर के काम युद्ध स्तर पर लग करके और बिजली विभाग के अधिकारियों ने नीचे से ऊपर तक टीम लगा करके और लाइट को शुरू कराना चालू कर दिया और काफ़ी जगहों पे लाइट पहुँच भी गया है। इतना ज़्यादा पोल गिरा है जिसकी गिनती नहीं है और अभी यहाँ पे आला अधिकारी मौजूद है, SDO साहब है, JE साहब है और अभी देखिए ताली रख करके JCB वगैरह से कहते पोल लगवाया जा रहा है और जगह जगह जहाँ भी पोल टूट गया है उसको नए सिरे से ला करके और चालू कराया जा रहा है। और अभी एक दो साल पहले की बात करें, दो तीन साल पहले की, तो इतना तेज़ी से काम नहीं होता था लेकिन अब बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और 24 घंटा के अंदर बिजली तैयार होकर के और लोगों के घर तक पहुंचा रही है, बहुत बड़ी बात है। तो SDO साहब हैं यहाँ पर, अभी यहाँ लोगों से बहुत बड़ी मुसीबत आई थी बिहार से, लोग सभा चुनाव चल रहा है और एक बहुत बड़ा चैलेंज आया था, कैसे आप लोगों ने कवर किया है लोकसभा चुनाव? लेकिन बिल्कुल युद्ध स्तर पे काम करके इन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है और आज जगह जगह मतदान चल रहा है और मतदान केंद्रों पे लाइट देना बिल्कुल जरूरी था। इन लोगों ने इसको ख्याल इसको मद्देनज़र रखते हुए
पूरा प्रयास करके ऑनलाइन पहुंचा दिया। यहाँ पे यही साहब है आपको दे दिया, क्या कहेंगे, इतनी मेहनत करके आप लोगों ने इसको पूरा किया है। हम लोगों के सभी टीम की मेहनत से जो प्रशासन को सपोर्ट रहा है, हमारे सभी समुदाय कर्मी सर ग्रामीण सभी लोगों ने हम लोग रात को चाकर बैठकर काम किए इतना कर पाए। और आपको बता दें कि जो पोल टूटा था, पोल के साथ साथ जो पेड़ है ना वो भी इंतहा और पेड़ की वजह से ही तो पोल टूटा था, और इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मेहनत किया। सुना गया कि पप्पू भाई यहाँ मौजूद हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा रोड से जा करके और पेड़ को कटवा करके किनारे कराए और आवागमन चालू कराए। सबसे बड़ी बात यह है कि वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो चुनाव के कार्य में लग गए हैं, और चुनाव बिल्कुल दूसरे दिन और एक दिन पहले ये सारा काम होना है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा समाजसेवियों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पप्पू भाई आपका कितना सहयोग रहा? हमारे पास रात में 11 बजे लेना था जी रास्ता चालू करके बनाइए मशीन मंगवाइए रास्ता चालू करके ये मशीन सारे अधिकारी कैसे जाएंगे, हमने लेबर को पास करने पर बुलाया रात भर से रात। तो आप देखिए कि जो जहाँ पे था अपने हिसाब से मेहनत किया और आज बिल्कुल रास्ता क्लियर है, लाइट का काम बिल्कुल जोरों शोर पे चल रहा है, काफ़ी थोड़ा सा काम रह गया है जो बिजली विभाग उसको भी पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही है। मैं राशिद लतीफ कुशीनगर। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।